बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आज जो है वो हम बहुत ज़बरदस्त और कमाल की जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी 10 किलो दूध की खीर। बनाना बहुत ही आसान है, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं और खुला दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 10 किलो खुला दूध लिया है और एक प्यारे से देचके में डाल लिया है। और इसमें हमने जो है वो तकरीबन 7 से 8 जो है वो सब्ज़ इलायची कूट के जो है वो इसमें डाल ली है। और ये डालने के बाद जो है वो मीडियम फ्लेम पर हम इसको सबसे पहले बॉयल कर लेंगे, ढक्कन देकर रख देंगे तो दूध हमारा जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दूध हमारा बॉयल हो चुका है। तो अभी जो है वो हम इसमें डालेंगे जी चावल। ये 1 किलो चावल टोटा चावल है और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। बाद में पानी जो है वो निकाल के तो इसको जो है वो हाथों की मदद से मसल लिया था। आप ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड वगैरह भी कर सकती हैं। तो ये डालेंगे इसमें और ये डालने के बाद अब चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो दूध में अच्छी तरह जो है वो हल हो सकें। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच किया करें, एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको कम्प्लीट रेसिपी का पता चल सके। तो अभी जो है वो हम दोबारा इसको ढक्कन देकर जो है वो रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जो है वो इसमें हम डालेंगे जी शुगर और चीनी। जो है वो आपने तकरीबन इसमें 1.5 किलो जो है वो चीनी इसमें डालनी है 10 किलो दूध में। तो ये डालने के बाद जो है वो अब हमने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हैं जी बादाम, ये हम डाल देंगे इसमें गर्म पानी करके। तो थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इसके छिलके उतर जाएंगे। और ये मेवा और ये गिरी है, ये इसमें डाल देंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो डालने के बाद अब हम इसको ढक्कन देकर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो नरम हो जाएं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं और हमारी शानदार सी मज़ेदार सी खीर जो है वो रेडी है। घर पर बनाएं, अपनी आँखों के सामने बनाएं, अपने हाथों से बनाएं ताकि आपको पता हो कि आप एक अच्छी और म्यारी चीज़ खा रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो जनाब सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।